बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपने क्लिनिक के बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस जो बरसों से मेरी प्रैक्टिस में शामिल हैं, जिनके बेहतरीन और शानदार रिजल्ट हैं। आज इस मर्ज के लिए मैं आपके साथ अपना तजर्बा शेयर करूंगा, वो है शियाटिका। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि शियाटिका क्या होता है, ये होने की वजूहात क्या होती हैं, इसके अलामात क्या होती हैं, और अगर ये हो जाए तो उसको क्या एहतियातें करनी चाहिए, और उसका होम्योपैथी में जो बेहतरीन इलाज है, जो फार्मूले हैं, दो फार्मूले हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप मुझसे बाकायदा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप मुझसे रब्ता कायम करें। तो अगर आप कराची में हैं और मेरे क्लिनिक पर आ सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर पाकिस्तान भर में कहीं पे भी रहते हो और आप मुझसे दवा मंगवाना चाहें तो TCS के जरिए मैं आपको दवा भेज देता हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं शियाटिका। शियाटिका क्या होता है? शियाटिका एक नर्व होती है जो हमारे कमर के निचले मोहरों में से निकलती है और कूल्हे से होती हुई रान के पिछले हिस्से से होती हुई नीचे पिंडली में और नीचे पंजे तक जाती है। ये नर्व अगर कहीं पर दबने लगे तो इसमें दर्द हो जाता है, इस पूरी टांग में दर्द होता है, कूल्हे से लेकर रान के पिछले हिस्से से लेकर उंगलियों तक, पैर की उंगलियों तक दर्द आता है। ये दोनों तरफ होता है, दाएं तरफ भी हो सकता है और बाएं तरफ भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों तरफ के नर्व दब जाती हैं। नर्व दबने की कुछ वजूहात होती हैं, वो वजूहात ये होती है कि सबसे पहले तो ये होती है कि अगर डिस्क स्लिप कहलाती है, यानी अगर जो हमारी रीढ़ के मोहरों के बीच में जो नर्म हड्डी सी होती है वो स्लिप हो जाती है, वो स्लिप होकर नस को दबाने लगती है, इस तरह ये शियाटिका पेन होता है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो उस वजह से नस दब जाए, तब फिर ये शियाटिका दर्द होने लगता है। तीसरी वजह ये होती है कि जिस सुराख में से निकलकर नर्व आ रही है, हड्डियों के दरमियान में एक गोल सुराख होता है जिसमें से नस निकलती है, वो हड्डियों में डिजेनेशन आने की वजह से बार दफा छोटा हो जाता है, उसकी वजह से नस दबने लगती है और शियाटिका दर्द शुरू हो जाता है। चौथी वजह यह होती है कि इस नर्व के ऊपर वरम आ जाए, जिस सुराख में से निकल रही है उसमें नस थोड़ी सी मोटी हो जाती है, इसलिए वही सुराख में फंसने लगती है, दबने लगती है और ये शियाटिक पेन हो जाता है। ये इसकी वजूहात होती है। इसके अलामत ये होती है कि कूल्हे से दर्द होता है, पिंडली में दर्द होता है, रान में दर्द होता है, होते पूरे पैर में दर्द होता है और पंजे तक इसका दर्द आता है। इंसान को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल से चलता है और उसकी चाल बदल जाती है। तीसरी ये होता है कि उसके मरीज की उंगलियां सुन्न होने लगती हैं। अगर हाथ के ऊपर गर्दन के मोरों से जो नस निकलती है वो दबे तो शोल्डर में पेन आता है और हाथ की उंगलियां सुन्न होती है, और शियाटिका नर्व अगर दबती है तो पैर के उंगलियां सुन्न होने लगती है, पूरे पैर में दर्द होता है और उंगलियां सुन्न होने लगती हैं। तो ये इसकी अलामत थी। इसके बाद हम बताते हैं कि इसमें एहतियात क्या करनी चाहिए। इसमें एहतियात ये करनी चाहिए कि अगर डिस्क स्लिप हुई है किसी वजह से तो वजन आप ना उठाएं, गलत पोजीशन में वजन उठाने से तकलीफ बहुत बढ़ जाती है, तो कोशिश करें कि कोई ज्यादा वजनी चीज गलत पोजीशन में हरगिज ना उठाएं। दूसरी ये कि बादी चीजें इस्तेमाल ना करें। बादी चीजें इस्तेमाल करने से नस के ऊपर थोड़ा बहुत वरम आता है, जो फंसी हुई दबी हुई नस होती है वो और ज्यादा दब जाती है, उसकी वजह से इससे होता ही है कि उससे तकलीफ में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। इसके अलावा आदमी को हवा नहीं लगने देना चाहिए, जिस टांग में दर्द है उस तरफ हवा बिल्कुल नहीं लगने देना चाहिए। जैसे पंखे में इस तरह ना बैठे कि अगर दाएं पैर में आपके दर्द है तो दाएं पैर के ऊपर हवा लग रही है, बल्कि पलट के बैठे ताकि आपके पैर पे हवा ना लगे, हवा लगने से भी ये दर्द बढ़ जाता है।
अब हम आपको बताते हैं कि इसका इलाज क्या है, होम्योपैथी में इसका इलाज क्या है। ये जो दो कॉम्बिनेशन में बताऊंगा ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और इन दोनों के इस्तेमाल से शियाटिका खत्म हो जाता है। पहला फार्मूला है ARMA। चार दवाएं इसमें शामिल की जाती हैं, लिक्विड में लेते हैं, चारों को इक्वल क्वांटिटी में मिला लेते हैं और 10 झटके देकर एक पोटेंसी बना लेते हैं। इसमें पहली दवा है आर्निका। आर्निका चोट लगने से दर्द होने की दवा, बेहतरीन दवा है और इंजरी की वजह से अगर शियाटिका हो रहा हो या किसी भी वजह से हो तो ये एक बेहतरीन रोल अदा करती है। ARM की दूसरी दवा है R फॉर रस्टाक्स। रस्टाक्स 200 में लेते हैं, आर्निका भी 200 में लिया था, रस्टाक्स भी 200 में लेते हैं और इसको भी इक्वल क्वांटिटी में इसमें शामिल कर देते हैं। अगर 10 ml हमने आर्निका लिया है तो 10 ml ही हम रस्टाक्स ले देते हैं। तीसरी दवा होती है मैग्नीशिया फास। ARMA में है तीसरी मेडिसिन होती है MM फॉर मैग्नीशिया फास। मैग्नीशिया फास होम्योपैथी की पेन किलर है, ये बेहतरीन दर्द को कम करने की बेहतरीन दवा है। चौथी दवा होती है एपोसाइनम। एपोसाइनम बहुत अच्छी दवा है, ये वर्म उतारने के लिए, पूरे जिस्म में कहीं पे भी वर्म आया हो तो इसको उतारती है। तो नर्व के ऊपर अगर वर्म आ गया है उसकी वजह से नस दब रही है तो ये इस दर्द को कम करने के लिए बेहतरीन दवा इस्तेमाल होती है। तो एपोसाइनम इसमें मिला देते हैं और 10 झटके देकर एक पोटेंसी बनाकर रख लेते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है GCMH, जी फॉर निफाइलम। जी इसमें साइलेंट है, निफाइलम इसको पढ़ते हैं, जी फॉर निफाइलम। ये शियाटिका की बेहतरीन दवा है। दूसरी दवा है सी फॉर कॉलोसंथस। कॉलोसंथस को हम 30 पोटेंसी में लेते हैं, निफाइलम को भी 30 पोटेंसी में लिया था जी, और ये कॉलोसंथस को भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं, इक्वल क्वांटिटी में इसमें मिला लेते हैं। एम फॉर मैग्नीशिया फास है, इसमें भी मैग्नीशिया फास एक पेन किलर के तौर पर हम इसमें शामिल करते हैं, इसके रिजल्ट भी शानदार होते हैं। चौथी दवा है एच फॉर हाइप्रिकम। हाइप्रिकम नस पे चोट लगने या दबने इंजरी के लिए बेहतरीन दवा है और बेहतरीन पेन किलर है। नर्व में अगर किसी किस्म की चोट लग जाए, कुचली जाए, कुछ भी हो तो ये दवा उसमें बेहतरीन काम करती है। ये इन चारों दवाओं को भी मिलाकर 10 झटके देते हैं और एक पोटेंसी बनाकर रख लेते हैं। अब हमारे पास एक ARMA एक कॉम्बिनेशन हो गया, दूसरा GCMH कॉम्बिनेशन हो गया। एक हम गोलियां या डिस्किट एक शीशी में लेते हैं, उसमें अगर हमने 10 ml की एक शीशी ली है तो उसमें 15 खतरे ARMA के डाल देते हैं और 15 ही खतरे GCMH के डाल देते हैं और हिलाकर उसको रख लेते हैं। ये शियाटिका का बेहतरीन इलाज है। इसको 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम और 2 रात 4 मरतबा चूसने के लिए देते हैं। इससे शियाटिका मुकम्मल तौर पर सही हो जाता है। इस दवा को काफी अरसे तक इस्तेमाल करना पड़ता है, बाज़फा महीना, 2 महीने और 3 महीने भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, लेकिन फायदा इसको शुरू में ही हो जाता है तो बेहतरी आहिस्ता आहिस्ता होती रहती है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए, हादसात आफात बलाइयात और मूजी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।